तो स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल मैजिक मैथ्स बाय अजय सर पे। हमारा टॉपिक चल रहा है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और इस टॉपिक की ये 8th वीडियो है। दोस्तों सारी चीजें सीखने समझने के लिए आपको सीरियल वाइज ही सारे वीडियोस को देखना है। ओके, थंबनेल पे आपको नंबर दिख जाएगा कि इस टॉपिक की ये कौन सी वीडियो, उसी अकॉर्डिंग आपको देखना है, सारी चीजें सीख जाओगे। ओके, और हर वीडियो में अपन नए नए टाइप के क्वेश्चन और बिल्कुल स्टैंडर्ड के स्टार्टिंग से लेके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन अपन कवर कर रहे हैं। ओके, और हर तरीके के एग्जाम में आने वाले। और दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, एक ही वीडियो में अलग अलग टाइप के, पर इसमें स्पेशलिटी क्या होगी, फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें। भाई टाइम का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि टाइम कम लगे और फटाफट हमारा करेक्ट आंसर आ जाए, ऐसा क्या काम करें। ओके, तो वही ट्रिक आपको, वही चीजें बताने वाला हूं। ओके दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। अब आपको क्वेश्चन देखते हुए बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है, और दोस्तों बैंक पीओ 2007 में आया हुआ है। इसने क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट। पर ध्यान रहे, इसने सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसने सिंपल इंटरेस्ट तो दे दिया, पर अगर स्टूडेंट्स को ट्रिक नहीं पता होगी फास्ट कैलकुलेशन की तो इसमें टाइम लग जाएगा, और टाइम लग जाएगा तो सोचो इस एक क्वेश्चन की वजह से कितने और क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक है, तो जो एग्जामिनर है वो आपको एग्जाम क्रैक करने के पर्पज से वो क्वेश्चन नहीं दे रहा है, वो चाहता है मैं कम से कम कंपटीशन रखूं ताकि छटनी हो जाए। मेरी बात को समझ रहे हो आप अच्छे से, जो आपके पेपर तैयार करते हैं। ओके, जिस भी कंपटीशन एग्जाम का आप पेपर देते हो तो वो पेपर पैटर्न और वो पेपर इस तरीके से तैयार करते हैं कि कम से कम लोग उसको कवर कर पाए। ठीक है, आपके सिलेक्शन के लिए वो नहीं दे रहे हैं, पर हमें क्या करना है, अपना सिलेक्शन करवाना है, हमें उनकी चीज के ऊपर खरा उतरना है। ठीक है, वो चाहे कितना भी घुमा के दे दे, कितना भी साइकोलॉजिकली गेम खेल ले, अपन उससे आगे चलेंगे। ठीक है, अब उसने इस क्वेश्चन को देते हुए क्या सोचा कि स्टूडेंट को क्या हो इसमें टाइम लग जाए और बाकी क्वेश्चन भी उसके छूट जाए। हो सकता है इसका आंसर उसका करेक्ट आ जाए, पर उसमें इतना टाइम लग जाएगा कि बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। मैं ट्रेडिशनल तरीका बता रहा हूं कि स्टूडेंट क्या करेगा अगर ऐसा क्वेश्चन देखेगा, वो अच्छे से जानता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। ठीक है, बिल्कुल यही करेगा, पी की जगह रखेगा 988, आर की जगह रखेगा 18 और टी की जगह रखेगा 5 और बट्टा 100 करेगा। ठीक है, फिर वो गुणा करने चला जाएगा, 18 को 5 से गुणा करेगा, 8 × 5 = 40 और 4 × 5 = 4 और 9। ठीक है, गुणा 988/100। ठीक है, फिर वो 0 0 काट भी देगा। अब उसको क्या करना होगा, ये देखो 988 को 9 से गुणा करना होगा, तो क्या करेगा, 9 8 72 हाथ की 7 9 8 72 72 और 7 79। ओके, 7 हासिल की, 9 9 81 81 और 7 88। ठीक है, बट्टा 10। तो यहां पे क्या करेगा, अगर वो जानता है ये चीज, भाई नीचे डिवाइड में 10 है 10 है तो एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देगा, तो 889.2 ये उसका उत्तर आ जाएगा। पर इसमें कितना टाइम कंज्यूम हुआ, कम से कम 1 मिनट लग जाएगा, हो सकता है ज्यादा भी लग जाए, कि उसकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन किस तरीके की स्पीड है। अब देखो मैं आपको फास्ट कैलकुलेशन, फटाफट विद इन 10 सेकेंड के अंदर इसका आंसर किस तरीके से आता है वो बताता हूं, बिल्कुल 10 सेकेंड के अंदर अपना इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, पर जो पहले मैं कंसेप्ट बताऊं उस कंसेप्ट को ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है दोस्तों, ट्रेडिशनल तरीका आपने देखा, अब अपना न्यू ट्रिक क्या है, इसमें देखो क्या कंसेप्ट है। हमेशा ध्यान रहे, अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको समय को 1 साल कर देना है। वो कैसे होगा 1 साल, आपको सीधा इसको गुणा कर देना है, सीधा इसको गुणा कर देना है 18 को 5 से, 18 × 5 = 90, कितना हो गया 90। और दोस्तों ये हमें मूलधन दे रखा है 988, हमें इसका काम अभी नहीं है, सीधा सा आपको 100 मानना है। कैसे मानोगे, 100 का 90 रुपए, तो 1 का कितना हो जाएगा, 90 में 100 का भाग दोगे तो सीधा सा पता है 0.9 आ जाएगा। ठीक है, 1 का 0.9 है तो 988 का क्या होगा, 0.9 को 988 से गुणा कर दोगे, 9 8 72 आपकी 7 9 8 72 72 और 7 79, 7 हासिल की, 9 9 81 और 88। दोस्तों 10 सेकेंड लगेंगे ही नहीं और आपका आंसर आ जाएगा।
चीज वही थी, बस थोड़ा सा तरीका बदल गया, तरीका बदल गया तो हमारा काम हो गया। पहले ये आंसर 60 सेकंड में आ रहा था, वो आंसर वैसे तो ये 7-8 सेकंड में आ गया, पर हम मानते हैं मैक्सिमम 10 सेकंड, ठीक है 10 सेकंड मान लेते हैं। दोस्तों 60 सेकंड और 10 सेकंड में बहुत फर्क है, आप अच्छे से जानते हो टाइम की कितनी वैल्यू होती है एग्जाम में, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं किस तरीके से इसका काम करना है, ओके आराम से स्लोली स्लोली बताता हूं, और जब आपको समझ में आ जाए फिर आप फास्टली फास्टली करोगे विद इन 7-8 सेकंड के अंदर, ओके। मैंने क्या बताया, 18% वार्षिक दर और 5 वर्ष है, आपको समय को 1 साल बना देना है। 1 साल बना देने का मतलब समय और दर को गुणा कर देना है, समय और दर को क्या कर देना है, गुणा कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। 18×5=90 होता है, ठीक है। मूलधन को 100 मानना है दोस्तों, 100 रुपए पे कितना मिलता है 90, 100 रुपए पे कितना मिलता है 90, 1 पे कितना मिलेगा आप सीधा से जानते हो, 100 ही क्यों मान रहे हैं, आराम से हमारा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है इसमें, इसमें डिवाइड करने की हमें कतई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सीधा सा इधर 2 जीरो है, 2 जीरो के बाद पॉइंट लगाएंगे, इसका मतलब क्या होगा 0.9। भाई 100 का 90 है, अलग से सेपरेट करके बता रहा हूं जिस स्टूडेंट्स को अगर नहीं समझ में आया हो तो, 100 का 90 होता है, 1 का कितना होगा 90/100 होगा, ठीक है। 988 का चाहिए तो 988 से कर देंगे ऐसा, ठीक है, ना तो हमें फॉर्मूला की जरूरत ना किसी और चीज की जरूरत, इसको सीधा गुणा करेंगे फिर एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे। पर यह काम भी नहीं करना है, ये काम भी आपको नहीं करना है, पूरा का पूरा ये काम माइंड का गेम है, यहीं से खेलना है इसको। 100 रुपए पे 90, ठीक है, 100 रुपए पे कितना 90 ब्याज मिलता है, तो दोस्तों 1 पे कितना मिलेगा 0.9, तो हमें तो 988 का चाहिए भाई साहब, 988 का चाहिए, तो इसको गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो आप अच्छे जानते हो 9872 7, 9872 और 7 79, 7 99 81 81 और 7 88, 889.2 रुपीज आपके पास ब्याज आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी ये ट्रिक और बहुत शानदार है। देखो आप साइकोलॉजिकली देखोगे ना तो बड़ा मजा आएगा इस चीज में, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन फास्ट और फटाफट कैलकुलेशन करके फटाफट करेक्ट आंसर फाइंड कर, आपके अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी और आपको वही कहेगी कि आप कर सकते हो, यस यू कैन डू इट, ओके। दोस्तों ये बात समझ में आ गई, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ओके, पर ध्यान रहे मैंने क्या बताया था, रेट को और टाइम को मल्टीप्लाई कर देना है, टाइम को हमें 1 साल ही बना देना है, टाइम को हमें 1 साल ही बना देना है, ओके, और बड़े ही शानदार तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, ओके। देखते हैं क्या क्वेश्चन है, एक्स तथा वाई दो समान राशियां हैं, बिल्कुल समान राशियां हैं, 7.5% वार्षिक दर से क्रम से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए, दर तो एक ही है सिर्फ, ठीक है, 7.5%, ठीक है, 4 वर्ष के लिए तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपए का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि ज्ञात करनी है, ठीक है, वो राशियां समान है, जो x और y को दी गई वो राशियां समान है। और दोस्तों ये SSC 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, SSC 2009 के पेपर में आया हुआ है, बड़े ही शानदार तरीके से करेंगे, ध्यान से देखना। मानते हैं 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए पहले वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 4 साल के लिए, ठीक है, कितना होगा 5×20 7×28 और 2, ठीक है, 100 रुपए पे 30, 100 रुपए पे कितना मिला 30 रुपए, ठीक है, 7.5 को हमने क्या कर दिया 4 से गुणा कर दिया, 4×5=20, 0 आया, 2 हासिल की, 4×7=28, 28 और 2 30, 30.0 इसका मतलब 30, ठीक है, 4 साल के लिए तो कितना 30 रुपए, और 5 साल के लिए कितना, अब 5 से गुणा करो इसको, इसको 5 से गुणा करें तो 5×25 हासिल की 2, 7×35 और 2 37, 37.5, ठीक है, इसका 30 आया 4 साल के लिए, इसका 37.5 आया 5 साल के लिए। दोस्तों डिफरेंस कितने का है, 7.5 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 7.5 का, और इसने कितना दे रखा है, दिए गए ब्याज में 150 का अंतर है, इसने कितने का दे रखा है 150 का अंतर है, यहां पे 7.5 का मतलब 150, ठीक है, 1 का मतलब 150/7.5, हमें पता लगाना है 100 का, तो 100 से गुणा करेंगे, यहां पॉइंट हटा के 0 करेंगे, 25×3=75, 25×6=125, 3×2=6, 1000 को 2 से करेंगे तो 2000। दोस्तों यही हमारा आंसर है,
कितना दिया था? एक्स और वाई के पास क्या राशियां थी? वो 2000 रुपए थी। बात अच्छे समझ में आ गई? बहुत ही शानदार तरीके से 10 सेकेंड के अंदर अंदर हमारा आंसर आ जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना बड़े ही प्यार से, ठीक है। एक्स तथा वाई को दोनों के पास समान राशियां हैं, हमने क्या अज्यूम कर लिया उसको? 100 रुपए, 100 रुपए मान लिया, ठीक है। मैंने कहा था दर को और समय को गुणा कर लेना, दर और समय को गुणा कर लेना, ये हमेशा हमें बहुत काम देगा और बहुत जल्दी इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। दर को और समय को गुणा कर लेना, 100 रुपए पे 4 साल के लिए 7.5% की दर से 30 रुपए, ठीक है। 5 साल के लिए 37.5, दोस्तों डिफरेंस कितने का है? 7.5 का। डिफरेंस कितने का है? 7.5 का। 7.5 का मतलब 150, इसने दे रखा है 150 का डिफरेंस है, 7.5 का मतलब 150 है, तो एक का कितना होगा? 7.5 क्या आ जाएगा? बट्टा में हमें 100 का पता लगाना है, तो 100 से गुणा किया, पॉइंट हटाया, जीरो लगा दिया, फिर कैंसल आउट कर दिया, 25 3 75, 25 6 125, 3 2 6, 2 को 1000 से गुणा किया तो 2000। ये हमारा कैलकुलेशन का काम है, ओके? अच्छे समझ में आ गया? बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अब दोस्तों क्या करना है आपको? ऐसे क्वेश्चन खुद को बनाने हैं, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चन आपको बनाने, कम से कम एक टाइप के, कम से कम 5 क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे पिछले वाला बताया तो 5 उसके क्वेश्चन, ये बताया तो 5 इसके क्वेश्चन, ताकि इसके जैसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए, कैसे भी घुमा के दे दे, आप आराम से चुटकियों में उसको सॉल्व कर सको। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड मिस्टेक्स ऑल्सो मेक्स अ मैन परफेक्ट। गलतियां करोगे तो सीखोगे, एकदम से कोई भी परिपूर्ण नहीं होता है, गलतियां करते करते ही सीखते जाते हैं और एक दिन कारवां बनता जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग हटके है। देखो क्या है इसमें, एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक किया जाता, 3% अधिक किया जाता पिछले वाली दर से, पर पिछले वाली दर हमें पता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपए अधिक मिलते, यह राशि कितनी है? वो राशि हमें बतानी है। तो दोस्तों क्या करना है हमें? 100 मान लेना है। क्या मान लेना है? 100 मान लेना है, ठीक है। और दर मान लेनी है हमें 1, पहले वाली दर क्या मान लेनी है? 1, ठीक है। तो 2 एकम 2, मैंने कहा था दर को और समय को गुणा कर लेना, 2 एकम 2, तो 100 रुपए पे 2 साल में 2 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए पे 2 साल में 2 रुपए मिलेंगे। दर यहाँ पे 1% थी, ठीक है, और साल हमारा कितना था? 2 साल, क्लियर है। फिर से 2 ही साल है, पर क्या है उसकी दर? 3% अधिक है। ये 1% है, इससे 3% अधिक होने का मतलब कितना हो गया? 4%। तो दोस्तों 4% पे 2 साल के लिए, तो 4 × 2 = 8 रुपए, 4 × 2 = 8 रुपए, ठीक है। डिफरेंस कितने का आया? 6 का। डिफरेंस कितने का आया? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, 6 का डिफरेंस आया। और इसमें कितना दे रखा है? ब्याज की दर पर दिया जाता तो 72 रुपए अधिक मिलते, ठीक है। यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, 6 का मतलब 72 है, तो दोस्तों 1 का मतलब कितना होता है? 12। 1 का मतलब 12 होता है, तो 100 का मतलब कितना हो जाएगा? 1200। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है। और दोस्तों ये SSC 2009 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन SSC 2009 के पेपर में आया हुआ है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। 100 रुपए पे 1% कर लिया हमने दर, ठीक है, 1% कर ली। हमें पता नहीं था कि पहले दर क्या है, उसको हम 1 मान सकते हैं, उसको हम क्या मान सकते हैं? 1। और मैंने बता दिया आज के वीडियो लेक्चर में, मैंने मेन पॉइंट यही रखा कि दर को और समय को आपको गुणा करना है, दर को और समय को क्या करना है? गुणा। तो 100 रुपए पे 2 साल के लिए 2 रुपए मिलते हैं, ठीक है। 100 रुपए पे 2 साल के लिए 4% की दर से, उससे 3% अधिक था, भाई मैं कहूं 1 है, 1 से 3% अधिक कितना होगा? 4। 3% अधिक, तो 3 जोड़ेंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 4%। और 2 साल के लिए, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, तो 4 × 2 = 8 रुपए, इनका डिफरेंस आया हमारे पास 6। कितना आया? 6। और क्वेश्चन ने हमें बोला कि 72 रुपए अधिक मिलते हैं, हमें तो यहाँ 6 दिख रहे हैं, हमें तो यहाँ 100 के अकॉर्डिंग कितने दिख रहे हैं? 6, के भाई यहाँ तो 2 मिल रहे थे और यहाँ पे 8 मिल रहे हैं, ठीक है। तो 6 आ गए इनका डिफरेंस, 6 का मतलब 72, 6 का मतलब 72 है, तो 1 का मतलब 72 बटा 6,
12 छिकानी 72, ठीक है 12 आ जाएगा। और हमें 100 से गुणा करना है भाई, 100 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। मूलधन हमने क्या माना था, 100 माना था, 12 को 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 1200 आ जाएगा। तो वो जो मूलधन था, एक राशि थी, वो राशि कितने की थी, 1200 रुपए की थी। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन कम से कम आपको 5 बनाने हैं और कुछ सॉल्व करने हैं। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है, कोई परेशानी आती है, माइनर से माइनर ही डाउट क्यों ना आए, अगर कोई डाउट आता है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक का, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, यहां तक कि मेरे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू ट्रिक, न्यू कंसेप्ट, न्यू पॉइंट और अलग अलग तरीके के टाइप के क्वेश्चन के साथ। ओके, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और जुड़े रहिए मैजिक मैथ्स बाय अजय सर के साथ, और अपने साथी फ्रेंड्स को कनेक्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।